दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र वैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहाँ ये स्थापित की गई। इसी तरह पुराणों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा है जो लंकापति रावण से जुड़ी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेदों की ओर में। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा वैद्यनाथ की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में रहे। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण को एक ग्वाला दिखा तो रावण ने उन्हें बुलाकर शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वजह से भी यात्रित स्थान वैजनाथ धाम और रामेश्वरम धाम दोनों नामों से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर तो स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित शिवलिंग पर अपना अंगूठा चढ़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।